ओके, तो गाइज मेरा घर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है एंड तुम लोग रेडी हो अच्छा जाओ फाइनल रिजल्ट देखने के लिए। एंड 3, 2, 1 एंड ये देखो भाई साहब कितना ज्यादा औसम लग रहा है। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। तो स्वागत है गाइस तुम सभी लोगों का मेरे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 3 में। तो गाइस लास्ट एपिसोड में मैंने जो है फुल डायमंड का आर्मर बनाया था एंड टूल्स बनाए थे। एंड गाइस मैंने इतना सारा रिसोर्सेस कलेक्ट किया था, तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इतना सारा रिसोर्सेस कलेक्ट किया था। बट गाइस इतना ज्यादा अमीर होने के बाद भी मेरे पास कोई घर नहीं है ढंग का रहने के लिए। मैं एक विलेजर के घर में किराए पर रहता हूँ जिसके बदले में मैं उसको महीने का 10 एमराल्ड दे देता हूँ। लेकिन गाइस अभी उसका जो डिमांड बढ़ गया है वो अभी महीने के 50 एमराल्ड मांग रहा है। तो गाइस मैंने उसको बोल दिया कि मैं अब तेरे घर में नहीं रहूंगा, मैं अभी खुद का एक खतरनाक वाला घर बनाऊंगा। एंड थंबनेल देखकर तुम लोग जान ही गए होगे कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। मैं बनाने वाला हूँ स्कल बेस। बट गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वार्डन गेमिंग को जाता है एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट। तो गाइस अगर आपको भी मेरी वीडियो में शाउट आउट चाहिए तो सिंपल बस वीडियो को एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना, देन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो गाइस अभी चलते हैं, मुझे घर बनाने के लिए जो जो रिसोर्सेस चाहिए वो कलेक्ट करते हैं। तो गाइस स्कल बेस बनाने के लिए मुझे जो ब्लॉक चाहिए वो इस वाली केव पे मिल जाएगी। बहुत सारी मैंने देखी थी इस वाली केव पे, लेकिन यार ये केव में बहुत सारे मॉब है और ये स्केलेटन मेरे को अलग से मारे जा रहे हैं भाई। अभी मेरा सीट टूट गया, दूसरा सीट लगाओ जल्दी से। भाई साहब अच्छा हुआ कि मैं दूसरा सीट लेके आया था। मैं इधर से निकल लेता हूँ, अभी मुझे पंगे नहीं लेने इनसे। अभी मैं यहाँ इधर जो माइन करने आया हूँ वो माइनिंग करेंगे। और भाई लेकिन ये स्केलेटन कितना हरामी है भाई, मेरे को मारने इधर तक आ रहा है। रुको यहाँ पर मैं ब्लॉक लगा देता हूँ, अभी आने दो इसको, धप्पा कर देंगे खत्म। ओके गाइस तो अभी मुझे कोई नहीं देख रहा, तो यहाँ पर जितनी भी डोइट्री है, क्या डोइट्री बोलते हैं शायद इसको, तो जल्दी से ले लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से। ओके तो गाइस मैं उस केव से बाहर आ चुका हूँ। एंड गाइस मैंने शायद से जरूरत से थोड़ा सा ज्यादा ही ले लिया है, देख सकते हो मेरे पास 4 स्टैक हो चुके हैं। बट गाइस कोई बात नहीं, मुझे वापस उस केव में जाना नहीं पड़ेगा। तो गाइस मुझे एक और चीज चाहिए जो कि है वुड, और मैं बनाऊंगा अपना घर स्प्रूस वुड से। और गाइस स्प्रूस वुड मिलेगा मुझे टाइगर बायोम में, तो मुझे अभी एक टाइगर बायोम भी ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे एक छोटे से सफर पे जाना पड़ेगा। चलो भाई। ओके तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ टाइगर बायोम ढूंढने, देखते हैं मुझे कितना दूर में मिलता है टाइगर बायोम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके तो गाइस यहाँ पर फाइनली मुझे मिल चुका है टाइगर बायोम, और मैं ज्यादा दूर भी नहीं आया हूँ अपने विलेज से, या 700 या 600 ही ब्लॉक दूर आया हूँ। आप लोग मेरे कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, तो जल्दी से अभी ये जो वुड है इसको कलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। गाइज मैं इधर वुड माइन ही कर रहा था कि यहाँ पर मुझे एक डॉग मिलता है और मेरे पास बोन भी था, तो इसको टेम करने की कोशिश करते हैं। एंड गाइज यहाँ पर हमारा जो डॉग जो है टेम हो चुका है, हमारे सर्वाइवल सीरीज का न्यू मेंबर। तो गाइज कमेंट सेक्शन पे इसका एक प्यारा सा नाम सजेस्ट जरूर कर देना। तो अभी वुड माइनिंग पर ध्यान देते हैं। ऑल राइट गाइज तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा वुड माइन कर लिया है, तो मैं अभी जा रहा हूँ गाइज अपने विलेज पर वापस। तो गाइज मैं अपने विलेज वापस आ चुका हूँ, एंड मुझे जो जो चीजें चाहिए स्कल बेस अपना बनाने के लिए मैंने वो सारी चीजें चेस्ट के अंदर भर के रख दी है। एंड गाइज मैंने जो है जगह भी सिलेक्ट करके रखा है कि मैं कहाँ बनाने वाला हूँ अपना स्कल बेस, तो जल्दी इसको लेते हैं एंड चलते हैं वहाँ पर। ओके तो गाइज यहाँ पर जो तुम लोग जगह देख रहे हो, यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ अपना स्कल बेस। एंड तुम लोग कोऑर्डिनेट्स भी देख सकते हो, ये जगह विलेज से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन गाइज इधर बहुत सारी डर्ट है, तो मुझे इन सभी डर्ट को हटाना पड़ेगा। और गाइज इस डर्ट को हटाते मेरे सबल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने वाली है, तो जल्दी से हटाना चालू करते हैं यहाँ से। 20 minutes later. Okay, तो गाइज फाइनली बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पर जितना भी डर्ट था मैंने सारा हटा दिया है। एंड गाइज मेरा जो डायमंड का सबल था वो पूरी तरह खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने एक आयरन का सबल बनाया है। बट चलो कोई बात नहीं, हमारा जो मेन काम था वो तो हो गया। ओके तो अभी शुरू होता है हमारा घर बनाने का काम। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 10 ब्लॉक्स ऊपर की तरफ डिग करना होगा, जैसे ये हो गया 2 ब्लॉक, अब यहाँ से ये हो गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पर मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ ऊपर की साइड में, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ नीचे डर्ट प्रेस करके जा सकता हूँ। एंड देख सकते हो कितना सारा डर्ट है मेरे पास। ओके यहाँ पर 2 डर्ट प्रेस करते हैं एंड यहाँ पर तोड़ देते हैं, और ये 9 और ये 10। अभी मुझे नीचे के साइड में क्या करना है, 8 ब्लॉक तोड़ना है, तो यहाँ पर जल्दी से गाइस 8 ब्लॉक तोड़ लेते हैं। गाइज यहाँ से गिन लेते, ये हो गए 1, ये 2, 3, ये हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 ब्लॉक मैंने तोड़ लिया। मैंने एक ब्लॉक ज़्यादा तोड़ लिया, तो मेरे पास गोबल स्टोन है, इसको यहाँ पर एक ब्लॉक लगा देते हैं। अभी ये 8 ब्लॉक का हो चुका है। एंड गाइज अभी मुझे इसी प्रोसेस को ऊपर भी और साइड में भी करना पड़ेगा, और इसको 15 ब्लॉक तक अंदर तक करना पड़ेगा, तो जल्दी से कर लेते हैं गाइज। और मेरी पिकेक्स की हालत इसमें भी खराब होने वाली है, शायद से टूट ही जाएगी, तो जल्दी से कर लेते हैं।
3 hours later. Okay, तो भाई साहब फाइनली यहाँ पर काम जो है 80% कंप्लीट हो चुका है। तुम लोग मेरे पीएक्स की हालत देख सकते हो, तो अभी जो 20% भी काम बचा है जल्दी से उसको कंप्लीट कर लेते हैं। एंड गाइस जिसका डर था वही हुआ, मेरी डायमंड की पिकेक्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है भाई। बहुत ही ज्यादा मेहनत लग रहा है इसको बनाने में, तो मैंने यहाँ पर एक आयरन का पिकेक्स बनाया है। अभी जो काम है बच्चा उसको कर लेते हैं। ओके सो फाइनली गाइस यहाँ पर जो डिगिंग काम था पूरी तरीके से कम्प्लीट हो चुका है। एंड लिटरली इसको करते करते मेरा तो हालत खराब हो गया। लेकिन गाइस तुम लोगों को वीडियो को लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके तो अभी मैं यहाँ पर 2 वुड लगा देता हूँ, यहाँ पर मैं गेट बनाऊंगा। ये जो 2 वुड मैंने खाली जगह छोड़ा है यहाँ पर अपना गेट आने वाला है, तो अभी इस साइड को फिल कर देते हैं पूरा साइड से। ओके गाइस तो ये काम भी हो चुका है। अभी मुझे इस जगह पर एक बहुत ही खतरनाक स्कल बनाना पड़ेगा। तो गाइस वो जो स्कल है उसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने तो नहीं वाला कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा। तो अभी जल्दी से उसको बना लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं 5 minutes later. तो गाइस यहाँ पर जो स्कल है वो पूरी तरीके से बन चुका है, मैं इसको बस फिनिशिंग टच दे रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पर स्लैब लगा के। तो जल्दी से इसको भी कम्प्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। ओके अबे ये लग क्यों नहीं रहा? अरे भाई ये कहाँ पर लग गया यार, लास्ट के टाइम पे क्या हो रहा है यार। चलो तो कोई बात नहीं, जल्दी से इसको ले लेते हैं और यहाँ पर 2 स्लैब फटाफट से लगा देते हैं। ये दूसरा भी लग गया एंड यहीं से नीचे वाटर वगैरह मिल करते हैं जो कि नहीं हुई। एंड गाइज आप लोग रेडी हो जाओ देखने के लिए कि कैसा मैंने बनाया। एंड 3, 2, 1 एंड ये देखो भाई साहब ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है। गाइस मैं तुम लोगों को ऊपर चढ़ के दिखा देता हूँ क्योंकि नीचे से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ऊपर से देखने में ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है। एंड देख सकते हो ये कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, एकदम एक खतरनाक स्कल की तरह लग रहा है। एंड गाइस जब मैं इसको डेकोरेट करूंगा ना तो ये और भी देखना खतरनाक लगेगा। लेकिन गाइस अभी स्कल को छोड़ो, अभी अंदर की साइड में पूरा का पूरा काम बाकी है यार। और गाइस इसको भी मैं आप लोगों को दिखाने नहीं वाला कि मैं कैसे बना रहा हूँ, नहीं तो गाइस ये वीडियो जो है 2-3 घंटे की बन जाएगी। तो अभी अंदर का काम भी शुरू करते हैं। 1 hour later. तो गाइस मेरे घर का अंदर का काम आधा ही कंप्लीट हुआ था कि मेरे पास वुड खत्म हो गए, तो मैं वापस से उस टाइगर बायो में गया और वहां से बहुत सारी वुड लेके आया हूँ। इस बार मुझे वुड की कमी बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो इसको यहाँ से बंद कर देते हैं ताकि पता चला मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और कीपर आके मेरे मुंह पे फट जाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने सारा वुड लाया हूँ और अभी तो मुझे वुड की कमी भी बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली क्योंकि मैंने सैपलिंग्स भी बहुत सारे लाए। अगर मुझे वुड की कमी पड़ी तो मैं यहीं पर सैपलिंग्स उगा के वुड ले लूंगा। तो जल्दी से काम शुरू करते हैं। 5 minutes later. तो गाइस अभी मैं अपने विलेज वाले घर पे आया हूँ क्योंकि मेरे पास फूड खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेड लेता हूँ और मेरे पास जितना भी डायमंड है उसको भी ले लेते हैं और अपने लिए जो डायमंड के टूल्स नहीं है वो बना लेते हैं। और राइट गाइस तो अभी चलते हैं और थोड़ा सा ही काम बचा है घर पे एंड जल्दी से उसको कम्प्लीट करते हैं एंड आप लोगों को दिखाते हैं वो घर कि कैसा बनाया है। 20 minutes later. ओके तो गाइस फाइनली पूरी तरीके से फाइनली हमारा जो घर है एकदम कंप्लीट हो चुका है। एंड लिटरली इसको बनाते बनाते मेरा तो हालत खराब हो गया। तो इसी बात पे वीडियो को एक लाइक कर देना गाइस एंड आप लोग रेडी हो जाओ देखने के लिए कैसा बना है मेरा घर। एंड 3, 2, 1 एंड ये देखो भाई साहब ये कितना ज्यादा ऑसम लग रहा है। तो गाइस अभी मैं आप लोगों को एक छोटा सा टूर दे देता हूँ मेरे घर का। तो सबसे पहले यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर सी लैंटर्न तो नहीं बोलते, इसको नॉर्मल लैंटर्न बोलते हैं, मैंने वो लगाया है। एंड मैंने इसका यहाँ पर पाथ को चेंज किया है, मैंने वुड गबलस्टोन इनको मिक्स करके यहाँ पर एक पाथ बनाया है। एंड साइड में देख सकते हो मैंने जो बैम्बू लाए थे बैम्बू को भी फार्म कर दिया है। तो गाइस अभी मैं आपको अंदर का टूर दे देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल सा डोर बनाया है। तो अंदर आते ही गाइस यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है इस साइड में मैंने अपने आर्मर्स रखे हैं। एंड ये जो इस साइड को मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया क्योंकि यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक बहुत ही बड़ा सा एक्वेरियम, बहुत ही खतरनाक एक्वेरियम। तो इसके बाद जैसे हम आगे जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो क्राफ्टिंग टेबल, कार्टोग्राफी टेबल, स्मोकर, ये सब मैंने इधर रखे और इधर साइड में 2 चेस्ट भी रखे हैं। तो इसके आगे जाते यहाँ पर आता है हमारा स्मेल्टिंग रूम। लेकिन गाइस अभी जो ये स्मेल्टिंग रूम है ये ऑटोमेटिक नहीं है, लेकिन मैं बाद में इसको ऑटोमेटिक ही बना दूंगा और जो भी स्मेल्ट करना होगा मैं यहीं से आके स्मेल्ट करूंगा। तो स्मेल्टिंग रूम के बाद आता है यहाँ पर हमारा खतरनाक वाला स्टोरेज रूम। एंड देख सकते हो मैंने इधर सब कुछ स्टोर करके रख दिया है, डर्ट, कोबलस्टोन वगैरह, और ये भी अभी ऑटोमेटिकली है लेकिन फ्यूचर में इसको भी ऑटोमेटिक कर देंगे। तो ये है गाइस हमारा ग्राउंड फ्लोर, देख सकते हो तुम लोग एकदम अच्छे से, और ये पूरा का पूरा फ्लोर वुड से बनाया है। एंड अभी जाएंगे गाइस हम लोग सेकंड फ्लोर पर एंड देखेंगे सेकंड फ्लोर पर क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टनल टाइप है, तो इधर मैं बनाने वाला हूँ अपना नेदर पोर्टल और इसको मैं कस्टमली डिजाइन भी करने वाला हूँ। तो इसके बाद अगर हम लोग पीछे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो इधर 2 रूम है। तो एक रूम में मैं बनाने वाला हूँ, जैसे इस वाले रूम पे मैं बनाने वाला हूँ, इसको बनाने वाला हूँ पोशन रूम एंड इसको बनाने वाला हूँ मैं एंचांटिंग रूम।
तो अभी मैंने इसको काम स्टार्ट नहीं किया, किसी और वीडियो में बनाएंगे। एंड गाइस इधर दोनों साइड में मैंने चिमनी टाइप बनाए हैं, देख सकते हो, एक इधर बनाया है और दूसरा इधर गाइस चिमनी टाइप बनाया है। तो इसके बाद इधर और दो रूम है। तो गाइस मैंने इधर जो है अभी कुछ भी नहीं सोचा है कि मैं इधर क्या बनाऊं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा कि क्या बनाऊं। तो इसके बाद गाइस अगर हम लोग इधर के साइड में आएंगे तो इधर देख सकते हो हम लोग अपने स्कल के अंदर आ जाएंगे और इधर एक छोटा सा बालकनी टाइप है जहाँ से मैं सब कुछ मतलब इधर उधर का नजारा देख सकूंगा। तो गाइस यही था मेरा घर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा ये घर और आप इसको 10 में से कितना नंबर दोगे। और हाँ एक और बात गाइस, मैंने जो डॉग टेम किया था उसका एक अच्छा सा नाम जरूर कमेंट में सजेस्ट कर देना मुझे। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड इस वीडियो को लाइक हम रखते हैं ओनली 20 लाइक्स, देखते कंप्लीट होता या नहीं। तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करके ऑल पर प्रेस कर देना। एंड बाय द वे गाइस मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।